हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो रहे हैं क्या भाई? जी नहीं तो बताइए। भाई, साहबान बोल रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे थे, अब शायद उठा लेंगे। बोले हैं मैं उनको लाइन पे ले लूँ, आपकी जैसे ही इजाजत हो। क्या उनको परेशानी, दिक्कत क्या है? उनको परेशानी ये है कि पीरी मुरीदी लेना, मुर्शिद का बैत लेना, ये सब पीरी मुरीदी में आता है। अच्छा, ठीक है, बात कराइए। वसीम वसीम सैयद नहीं सैयद, आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर रहे हैं या कुछ देर बाद कोशिश करें। यह कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। यह कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। यह कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपका कॉल होल्ड पर है। बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाँ कौन सैयद बोल रहे वसीम हो? साहब। हाँ आप कौन हो? हाँ भाई, मैं अफू खान बोल रहा हूँ यूपी इलाहाबाद से। और आप खैरियत से हैं? कौन, सॉरी फिर से बोलिए। अफू खान यूपी इलाहाबाद। जी वो मैं एक तो नंबर उसको दिया था ना, क्या नाम है उसका, सभी नाम भूल जाता, वो सब्जे जैसा कुछ नाम था। अरे आप बात करिए ना सैयद वसीम भाई। बोलिए ना। हाँ बात तो कर रहे, बोलिए। हाँ भाई, मैं ये कह रहा था कि जो ये, मतलब आपका मानना ये है कि जो पीर हैं, बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, जब तक उनसे मतलब भाई हम बैत हम नहीं देंगे या उनके साए में हम नहीं रहेंगे, तब तक हम दीन पे चल नहीं सकते हैं, हम कामयाब हो नहीं सकते हैं, हमको जन्नत नहीं मिल सकती है। तो ऐसा कोई अकीदा है ऐसा क्या आपका? तो हमने कहा नहीं। तो ये मेरे कहाँ भाई, से आ गई ये पीरी मुरीदी, बैत लेना और बुजुर्ग बनाना और अपने सारे अमाल का ठेका अपने औलिया को दे देना? बैत लेना बैत रिजवान से साबित नहीं है। हाँ भाई, बैत लेना बैत रिजवान से साबित नहीं है। नहीं, वो तो बैत अलग होती है ना। वो कौन सी बैत थी हमें बताएंगे जरा? तो वो तो इस्लामिक बैत होती है ना। हाँ तो मतलब क्या लेते हैं उसमें बैत, कौन सी बैत लेते हैं कि हम क्या बैत करेंगे? उसमें अलग अलग तरीके की होती है, उसमें मतलब भाई ये गवाही दी जाती है कि हम अल्लाह के क्या गवाही सिवा किसी बताएंगे? और को माबूद नहीं बनाएंगे, हाँ अल्लाह से ही मांगेंगे, अच्छा, अल्लाह को ही सब कुछ हाँ अपना मानेंगे, अल्लाह के नबी को आखिरी नबी हाँ मानेंगे, उनकी तालीमात पे अमल जी करेंगे। बेटा। तो बैत में भाई वो काफी हाँ सारी चीजें आती हैं, लेकिन हाँ तो बैत ये हो, सुनिए, बैत पीर तो ये हो बाबा गया के तो नाम क्या से हम लोग बैत लेके पीर बाबा की कुछ भी ना मानना। आप गौसे आजम ये को आपका मानते गलत हैं? लोग गंदा है, ठीक है हाँ? आप लो मानते हैं गौसे आजम को? मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनको भाई पीर मानते हैं? जी बेशक पीर मानते हैं ना, पीरों के पीर मानते हैं? बेशक पीरों के पीर। तो भाई वो नमाज में सीने पे हाथ बांधते थे, तो आप अपने पीर की तरह नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप सीने पे हाथ क्यों नहीं मेरे बांधते? भाई वो भाई देखे वो हाथ नहीं, हम भाई तो वो देखे नमाज में देखे देखे रफुल दैन देखे करते थे, आप क्यों नहीं रफुल दैन करते हो? देखे। अरे मेरे भाई इमाम शाफी के मुखलिस भी रफा दैन करते हैं, ठीक है, और जो वो हम्बली मुकल्लिद पिटाते करते लोग हैं हैं उससे वो मतलब छोड़े। नहीं, अल्लाह के नबी ने किया इसलिए करते हाँ हैं ना। अब आप रफा दैन के मसले पे क्यों आ गए, आप तो पीरी मुरीदी नहीं करते मैं ना। ये, हाँ वही मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये पीरी मुरीदी करते हो, तो जो पीर है, हाँ पीर अपना अलग अलग नमाज पढ़ता है और मानने वाले जो होते हैं मुरीद वो अपनी अलग नमाज पढ़ते हैं, तो ये कैसी मेरे भैया है? ये क्या मतलब, ये पीरी हो गई और ये मुरीदी हो गई? भाई जब पीर अपना भाई अलग मैं, काम कर रहा है, अलग इबादत कर रहा है, मानने वाले जो उसके ठीक मुरीद है हैं मैं, उसको उससे लेना हाँ देना नहीं है,
तो ये पब्लिक को धोखा क्यों, अपने आप को धोखा क्यों? अच्छा आपको ये पता होगा कि हम लोग मतलब हमारे हाल ही में कहते आए हैं कि चारों इमाम में पुरोहित मसाइल में इख्तलाफ है, अकाइद में इख्तलाफ नहीं है। नहीं पता भी होगा, मतलब सुने होंगे हमारे इमाम से। नहीं देखिए यहाँ पे आइमा की बात ही नहीं हो रही है, चारों इमाम का एक ही मनस था, सबने कहा था कि जब मेरी बात भाई कुरान और हदीस के खिलाफ आ जाए तो मेरी बात को छोड़ देना, मेरी राय को छोड़ देना, अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को मान लेना। तो ये बताइए आपके जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह थे, उन्होंने भाई किसको अपना भाई वो उन्होंने बना लिया था पीर, और वो भाई किसके हो गए थे मुरीद, वो कौन से सिलसिले से? नहीं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कौन से भाई वो सिलसिले के थे भाई? वो चिश्ती थे, कादरी थे, हनफी थे, नक्शबंदी थे, शोहर वर्दी थे, रजवी थे, कौन से भाई वो सिलसिले से ताल्लुक रखते थे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मतलब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को आप वली मानते हैं अल्लाह के? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली थे, अहले हदीस थे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने खुद कहा है गुनियतुत तालबीन उसकी जिल्द नंबर एक सफा नंबर 166 पे कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस, अहले असर अहले हदीस। तो उनके नजदीक तो अहले हदीस जो थे उन्हीं का नाम अहले सुन्नत है, उन्होंने भाई ये बरेलवी देवबंदी अहले सुन्नत का ही नहीं। आपका फिर से नाम बताएंगे भाई? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह, जिनको आप लोग गौसे आजम पिराने पीर पीरों की पीर कहते हैं, उनकी जो किताब है गुनियतुत तालिबीन उसके जिल्द नंबर एक सफा नंबर 166, ये मैं अरबी का हवाला दे रहा हूँ, जो उनकी अरबी की बुक है उसका हवाला दे रहा हूँ। उर्दू में जो होगी उसका सफा नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये अरबी की भाई किताब का हवाला है, उसकी जिल्द एक सफा नंबर 166 पे लिखा हुआ है कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। तो उनके नजदीक अहले सुन्नत अहले हदीस है, क्योंकि वो खुद भाई वो अहले हदीस थे, वो उनकी राय और इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह की राय वो काफी मसले मसाइल में भाई वो मिलती थी, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे भाई वो दे दिया भाई वो हम्बली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह की अंधी पैरवी करते थे, तकलीद करते थे, नहीं नहीं मतलब अगर मैंने फर्ज कर लीजिए मैंने आपकी बातों को मान लिया वो अहलुल हदीस थे, ठीक है? नहीं मानना ही पड़ेगा ना भाई, सुनिए हेलो, उन्होंने अपने आप को हनफी बरेलवी देवबंदी थोड़ी ना बोला। हाँ तो सुनिए मैं कुछ देर के लिए लिया आपकी बातों को मैं लिया, यानी कि मतलब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जो अमल करते थे, जो तरीका जो अकीदा था उनका, यानी वो दुरुस्त था आपके निगाह से? क्या था? जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे पीरों के पीर, जो आप कह रहे अहले हदीस, तो उनका अकीदा था अच्छा, मतलब बढ़िया था, तभी तो अल्लाह के वली हुए ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाज लोगों ने उनके नाम से ऐसे ऐसे मसले उतार दिए हैं कि पिराने पीर के नजदीक तावीज पहनना जायज है, कव्वाली गाना जायज है, माज अल्लाह झूठा इल्जाम के नाम से मंसूब कर दिया। माज अल्लाह रब्बिल आलमीन तावीज पहनने की बात यह अलग मसला है, और जो कव्वाली की बात कर रहे हैं ना, हमारे निजामुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि जो कव्वाली मजामीर के साथ सुनता है, ठीक है? हाँ म्यूजिक वाली कव्वाली जो होती है मरहज्जा कव्वाली, वो मेरे भाई हराम है। हराम है तो ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे शेख अब्दुल कादिर जी। नहीं यहाँ बात हो रही पीरों के अलग बंदे, एक ही बताइए, अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान में जो कहा है वो कहा है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, और जो तुम में हाकिम है उलिल अम्र है उनकी बात को मानो, अगर उनमें आपस में भाई इख्तलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। ये आता है सूरह अल निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, ठीक? लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं पे भी नहीं कहा कि तुम भाई वो तुम किसी के मानने वाले मुरीद बन जाओ, किसी को पीर बाबा बना लो, फिर उसके इंतकाल के बाद उसकी मजार बना लो, दरगाह बना के, आस्थाना बना के, उसके ऊपर मेले ठेले उर्स बाजी करने लगो और उनसे अपनी भाई वो उनसे मांगना स्टार्ट कर दो। अकीदा क्या होता है पीर भाई? आपने पूरा भाई देखिए मैं लोग जाहिल इंसान हूँ, लेकिन फिर भी आपने पूरा कुरान पढ़ लिया है?
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह फातिहा से सूरह नास तक 114 सूरतें, आप भी एक बार समझ के पढ़ लीजिए। मतलब कहीं भी एक भी आयत में नहीं है कि तुम भाई तुम भाई अपने पीर बाबा बनाओ। सूरह कैफ पढ़े हैं आप? हाँ, हर जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए। सूरह कैफ आयत 12-15 आयत नंबर 17 पढ़े हैं आप? मतलब देखिए सूर्य कहफ में तो भाई जो हमारे बरेलवी भाई है वो नहीं सुन तो लीजिए। सूर्य कहफ में हमारे बरेलवी भाई एक चीज की दलील देते हैं, जब मैं उनसे कहता हूँ कि आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा और अपने मानने वालों को कुत्ता कहा, तो वो कहते हैं देखो कुरान में भी तो है ना, जो भाई वो सूर्य कहफ में जो भाई कुत्ता आया है वो कुत्ता का नाम कुरान में आया है, तो वो कुत्ता ही उनको याद रहता है कुरान में। बात कर लीजिए। हाँ तो ये बताइए जो भाई कुत्ते बाबा की मजार है कुत्ता शाह बाबा की, तो क्या ये कुत्ता शाह बाबा आपके पीर हैं? आपके बोहतान पे अल्लाह की लानत हो। कौन कहता है आप लोग तो डायरेक्ट बोहतान क्यों लगाते हैं आप? कुत्ता शाह बाबा ये शाह बाबा। अरे भाई कुत्ता शाह बाबा की मजार आपने देखी नहीं है? हमने सहारनपुर में मजार है मेरे भाई, सहारनपुर में कुत्ता शाह बाबा की मजार है। वो एक्चुअल में एक आदमी होता है नॉन मुस्लिम, वो भाई ये कुत्ते को पालता है, लेकिन उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है जानवर से कि जब कुत्ता भाई वो अपना भाई वो एक्सपायर हो जाता है मर जाता है, तो वो उसको नाले के पास जाके भाई उसको मतलब वो गाड़ देता है। तो कुछ दिनों बाद लोग क्या करते हैं कुत्ते की मतलब भाई जो होती है कब्र उसको बकायदा भाई पक्का करके उसको पक्का बना के उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसके ऊपर चादर और पेंट वेंट करके बेहतरीन कुत्ता शाह बाबा की मजार, यानी कि अब जो मानने वाले भाई जो लोग हैं मुरीद है वो कुत्तों से मन्नत मांग रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना गंदा अकीदा। अगर ऐसे करते ना, देखिए मैं सुन्नी हनफी वसीम अख्तर ये ऐलान करता हूँ, अलग ऐलान करता हूँ, ठीक है आप भी। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग आमतौर पे कहते हैं कि हम बहुत मतलब गुनहगार हैं और हमारी दुआ अल्लाह सुनेगा नहीं, तो जो हमारे पीर हैं वो नेक हैं, तो हम उनसे कहेंगे वो हमारी जो बात है वो अल्लाह तक पहुंचाएंगे, तो क्या माज़ल्लाह अल्लाह ताला को मालूम नहीं है कि जो पीर बाबा हैं वो आपकी बात भाई उन तक पहुंचा रहे हैं? जब आप इतने गुनाहगार हैं अल्लाह आपकी डायरेक्ट भाई नहीं सुनेगा, तो जब आपकी बात पीर बाबा भाई वो अल्लाह तक मान लो पहुंचाते हैं, तो अल्लाह ताला कहेंगे नहीं अरे मतलब ये चोरी छुपके काम हो रहा है? जब वो डायरेक्ट हमसे नहीं मांगता है, हमसे इतना खौफ खाता है, तुमको आगे कर रहा है, तो मैं कैसे मान लूं वो है गुनहगार? तो ये कैसा लॉजिक कैसा है? अल्लाह सुबहानो ताला तो कुरान में कह रहा है सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 में, और अगर अल्लाह तुम्हें किसी भी परेशानी में मुसीबत में डाल दे तो सिवाय उसके तुम्हें कोई भाई उससे आपको नहीं बचा सकता, यानी कि अगर अल्लाह सुबहानो ताला ने किसी को परेशानी में डाल दिया मुसीबत में डाल दिया तो सिवाय अल्लाह के उस परेशानी को कोई दूर करने वाला नहीं है। ये अल्लाह ताला कह रहा है अपने आखिरी भाई कलाम में सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 में। तो अब बताइए पीर बाबा भाई हम बना लेंगे तो फायदा क्या होगा? आप बताओ भाई, पीर बाबा से हमें कोई काम कोई हल्का हो जाएगा? अरे पीर हैं अच्छी चीज है, पीर की जो मेरे भाई बात है भाई जो किताब और सुन्नत से साबित है आप उसको मानिए ना भाई, जो दीन में जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली भाई वो गुजरे हैं बुजुर्गाने दीन है, हम उनकी इज्जत करते हैं एहतराम करते हैं, और जो बात उनकी किताब और सुन्नत से साबित है हम उसके ऊपर अमल भी करते हैं, लेकिन हम उनकी अंधी पैरवी नहीं करते कि जहां से हमारा पीर जाएगा बस पीछे पीछे उसका दामन पकड़ पकड़ के हम चलते रहेंगे। तो लोग क्या होते हैं जब भाई ये पीरी और भाई ये मुरूदी वाला जब ये सब अकीदा भाई आवाम में आ जाता है, तो लोग अल्लाह सुबहान तआला की भाई वो जात में भाई वो शिर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग अल्लाह को नाराज कर देते हैं, लेकिन सोचते हैं हमारा जो ये पीर बाबा है ये हमें नाराज ना हो, तो ये शिर्क से भी आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भाई ये पीर बाबा मुरीद बनना और बैत लेना ये सब आप छोड़िए, आप मेरे भाई कौन से उसमें जी रहे हैं जमाने में? अल्लाह सुबहान तआला का कलाम पढ़िए, अल्लाह के नबी का भाई जो फरमान है उसको पढ़िए,
और उसको अमले सहाबा के हिसाब से अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, सही अल बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 631। तो सबसे पहले आप भाई वो नमाज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पीर बाबा की तरह नहीं अल्लाह के नबी की तरह। आ रही बात समझ में आपके? अरे कहाँ गए भैया? काट दे। हेलो हेलो, हाँ बताइए। लगता है चले गए, काट दे। अच्छा काट दिया फोन। चलो ठीक है भाई, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई ये पीरी मुरीदी इस्लाम में नहीं है, अल्लाह सुबहान व तआला इनको हिदायत दे। आप उस दिन इलाहाबाद आए थे क्या सामी तौफीक के पास? हाँ मैं इलाहाबाद में उनसे मिला था। तो बात ये है ना, देखिए अल्लाह सुबहान व तआला ने भाई साफ साफ कह दिया है कुरान में सूरे अल भाई सूरे नहल में उसकी आयत नंबर 21 में कि और जिन जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं। उन्हें तो ये उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि वो कब उठाए जाएंगे। तो अब बताइए, अब हम पीर बाबा के चक्कर में पढ़ के अल्लाह ताला को नाराज कर रहे हैं, तो ये मेरे भाई उनको समझा दीजिएगा इसला की मतलब भाई वो नियत से। ठीक है, किसी को कौन सी आयत बताए थे आप? इस्लाह की नियत उनको समझा दीजिए। जी 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 इंशाल्लाह। हाँ क्या पूछ रहे हैं आयत? हाँ, सूरे सूरे नहल आयत नंबर 21। और जिन जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं, मुर्दा हैं, जिंदा नहीं। उन्हें तो ये भी नहीं शऊर है कि वो कब उठाए जाएंगे। सूरे अन नहल आयत नंबर 21। आयत नंबर 21। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है, ओके हमारे व्हाट्सएप। ठीक है भाई, फोन जा रहे हैं चार्जिंग करने, भाई इतना बैटरी नहीं है। ठीक है ठीक ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।